हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वो यहां पे मैं बताऊंगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में जो पढ़ाई की जाती है और उस पढ़ाई को करने के बाद जो इतना सारा डेटा होता है उसको हम कैसे स्टोर करें, क्योंकि ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है। क्योंकि स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई तो होती ही है, यूपीएससी एक इंडिया का ऐसा सबसे टफ एग्ज़ाम है जो इंसान को फेल करने के लिए बनाया जाता है, ना कि पास करने के लिए। इसमें 90% बच्चे फेल होते हैं क्योंकि सीटेड सिलेक्टेड हैं, 1000 सीटें हैं जिसमें लाखों 10 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही शार्प नॉलेज के साथ आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अब ये एग्ज़ाम देखिए जो सॉल्व करना है और जिस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो अपना स्ट्रक्चर है, जो पूरा यूपीएससी की तैयारी करने के जो नोट्स होंगे या जो इन्फॉर्मेशन हो गई, उस स्ट्रक्चर को किस तरीके से आपको एक मेंटेन करना है, किस तरीके से डिसिप्लिन और मैनर के साथ आपको इसमें तैयारी करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, बेसिकली होता क्या है कि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद इनको रिकॉल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो सबसे पहली बात है जो मैं आपको बताऊंगा वो होती है इमेजिनेशन। आप देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे अगर मैं बोलूँ ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल बोलने से माइंड में एक लाल रंग का एप्पल ड्रॉ हो जाता है हमारे दिमाग में। तो यहाँ से हमारी इमेजिनेशन आ जाती है कि जो एप्पल होता है तो वो लाल रंग का होता है, दूसरा एक एप्पल की इमेज हमारे दिमाग में जनरेट हो जाती है। तो ठीक उसी तरीके से, क्योंकि वो फिगर होती है, जैसे छोटी क्लासों में आपने देखा होगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरीके की चीज़ें बच्चों को दिखाई जाती थी। तो वो इमेजिनेशन, उस तरीके की इमेजेस को दिखाना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो मेरा पहला पॉइंट है जिसके बारे में मैं बोलूंगा वो होता है मैप। मैप को आपको बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले होता है हमारी यूपीएससी की तैयारी में, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हर एक सब्जेक्ट में आपको मैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं बात करूँ हिस्ट्री की, हिस्ट्री में क्या होता है कि हिस्ट्री में जैसे आप पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में मगध एम्पायर, तो अगर आप उसको देखेंगे तो आप उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर आप मैप की ही मैं बात करूँ तो मैप आप जैसे पॉलिटिकल मैप आते हैं 2-2 रुपये के, तो आप वो एक पूरा बंडल ले सकते हैं। हर एक मैप को आप अपनी एनसीईआरटी बुक में पेस्ट करें, उसमें अपनी टिक मार्क करें, अपनी लोकेशंस बनाएं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, तो इंडस रिवर सिस्टम हो गया, वो कहाँ से निकला हुआ है, वो हमारे चाइना के मानसरोवर से जो हमारा ग्लेशियर है वहां से होते हुए पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख कवर करते हुए पाकिस्तान, तो आप उसकी पूरी मार्किंग कीजिए किस तरीके से वो रिवर्स हो गई। तो क्या होता है कि आपको रिकॉल करने में और याद करने में, यानी कि पढ़ने की बजाय आप उन चीज़ों को देख के जल्दी रिकॉल करेंगे, जल्दी समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है मैप का रोल। इसके अलावा अगर जैसे मैं बात करूं पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी में क्या होता है कि देखिए पॉलिटी में आप पढ़ रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो सारा हमारा जो संविधान है हम जो पढ़ रहे हैं उसमें आर्टिकल्स के अलावा आप जैसे होता है कि काफ़ी सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन कौन से सालों में हुआ था, तो आप उसके लिए उसमें एक मार्किंग कर सकते हैं। उसके अलावा हो गया जैसे अगर आप मान लीजिए कि किसी भी स्टेट का विभाजन हुआ था, जैसे हमारे जो प्रोविंसेस थे, जो हमारे आज़ादी से पहले के जो हमारे प्रोविंसेस थे या जो आज़ादी के बाद जो नए स्टेट्स बने, उनको अलग अलग लेवल में आप मार्किंग कर सकते हैं, नाम, लोकेशन हो गया या कौन से एक्ट के थ्रू वो पास हुए थे, ये सारी इंफॉर्मेशन आप मैप में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा पहला पॉइंट जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको अपने डेटा को किस तरीके से स्टोर करना है। हाँ, इसमें एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, मार्केट में बहुत ही नॉर्मल प्राइसेस में आपको मैप के पूरे चार्ट्स मिल जाते हैं, वो आप उसको अपने रूम में लगाइए और उस पर मार्किंग कीजिए मार्कर से, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं इस तैयारी के दौरान। अगला पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करूँगा, नोट मेकिंग। अगर आप देखिए नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स तो देखिए हर बच्चा बनाता है, लेकिन नोट्स को जिस तरीके से आप बना रहे हैं उसको एकदम पॉइंटेड वे में बनाइए। लाइक जितना ज्यादा पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे नोट्स उतने बेहतर बनेंगे। ये नहीं कि आप बस पढ़ रहे हैं और अपनी थ्योरी में उन चीजों को लिखे जा रहे हैं, वो चीज नहीं करनी है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको हो सके जितना ज्यादा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया, या फिर आप उसको एरो दे के पॉइंट लगा के इस तरीके से नोट्स अगर आप बनाएंगे और क्रिस्प और छोटे नोट्स बनाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देंगे। एक डेटा, आपको एक ऐसा डेटा मिलेगा जिसको आप इजीली पढ़ सके, और इवन उन नोट्स में आपको ड्राइंग का इस्तेमाल करना है। आप इंडिया का मैप बनाना सीख लीजिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेकेंड्स में
कुछ ही सेकंड में आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। आप उसको फटाफट से वहां ड्रॉ कीजिए, वहां पे कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको वहां पे डाल सकते हैं। दोस्तों ये तो था मेरा दूसरा पॉइंट। अगले पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा, वो है हमारा मार्किंग इन बुक्स। मार्किंग इन बुक्स का मतलब होता है कि जब आप बुक्स पढ़ रहे हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गई या फिर आप जी सी लियोंग पढ़ रहे हैं या और भी कोई बुक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की, तो उन बुक्स में मार्किंग आपको करनी बहुत जरूरी होती है। एक पेंसिल और मार्कर अपना यूज कीजिए। कभी कभार क्या होता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन बुक में पढ़ रहे हैं तो वो एक थियोरिटिकल एक फ्लो में लिखी होती है। आप क्या करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को अलग से बुक में साइड में 1-2-3 करके आप उसमें पॉइंटेड वाइज में अपने उन चीजों को निकाल के अलग से लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे हिस्ट्री में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लर्न करना बड़ा टफ हो जाती है। जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे भात होता है या बाली होता है या टेक्स्ट स्ट्रक्चर था मगध एम्पायर टाइम पीरियड का, तो इस तरीके के जो हमारे टेक्स्ट स्ट्रक्चर होते हैं उसको आप अलग से बुक में लिख सकते हैं कि नंबर वन दिस, ये टेक्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, या नंबर टू भात, ये हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसमें टैक्स लगता है, तो ये उस तरीके से हो गया। तो आप ऐसे इसको बुक में छोटा छोटा अलग से भी लिखे, तो क्या होता है कि जब आप दोबारा उस चीज को पढ़ेंगे तो फटाफट से वो इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में लिखी रहती है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि जब आप उस चीज को पढ़ेंगे तो हाईलाइटेड चीजें आपको जल्दी दिखेगी, तो आपका जो माइंड है उसी तरीके से उस बुक को पढ़ने के लिए एडजस्ट हो जाता है। वैसे तो ये बहुत कॉमन चीज है, हर इंसान इस चीज को फॉलो करता है, लेकिन एक यहाँ पे आपको बताना ये भी जरूरी है कि आपका ये कितना बड़ा रोल होता है अगर आप बुक में मार्किंग कर रहे हैं और सारी चीजों को लिख रहे हैं तरीके से। दोस्तों ये तो था मेरा तीसरा पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ अगर मैं बात करूं, वो है हमारा लो मटेरियल टू रीड, यानी कि आपको अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए कम मटेरियल अरेंज करके रख रहा है। जैसे कि मैंने अपनी इस वीडियो में मैं बताया भी था कि मैं कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर कर रही है यूपीएससी के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप जो यूपीएससी का मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, उसको लिमिटेड रखिए। जैसे मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, तो हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटीज भी होती है, न्यू एनसीईआरटीज भी होती है, और इवन अभी तो तमिलनाडु बोर्ड की भी कुछ बुक्स आई है, वो भी काफी अच्छी है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि आप तीनों बोर्ड की या जो जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो आप सारा रिसोर्सेज ले लीजिए कि मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ वहां से भी पढ़ लूँ। दोस्तों क्या होता है कि देखिए, इन्फॉर्मेशन हर बुक में एक जैसी ही दी होती है, बस वो स्ट्रक्चर सबका दिखाने का या उसकी लैंग्वेजेस में फर्क होता है। तो आपकी जो बेहतर सहूलियत और जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो बुक आपको ठीक लगे सिर्फ उसी को रेफर करें, ना कि आप मल्टीपल बुक्स को फॉलो करें। तो बेहतर होगा कम अगर आप बुक्स को फॉलो करते हैं तो उससे आपकी बेहतर तैयारी होगी, टाइम कम लगेगा और बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अब जैसे देख लीजिए, एक सब्जेक्ट है उसमें उसकी अगर आप 3-3 बुक्स अलग अलग पढ़ रहे हैं तो आपको क्या होता है कि फिर टाइम लगेगा उसको ज्यादा जल्दी खत्म करने में। एक बुक है उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग से समझिए और उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए आप। तो दोस्तों ये था मेरा चौथा पॉइंट। अगले पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ूंगा मैं, वो है हमारा हाइलाइट्स विद मार्कर। आपको मार्कर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो मार्कर आपके लिए बहुत एक ही अहम रोल यूज करते हैं आपकी बुक में। बुक को ये नहीं है कि बस लिया और पोतना शुरू कर दिया उससे, ऐसा नहीं करना है। आपको जो कीवर्ड्स होते हैं उनको मार्कर से जरूर हाईलाइट करिए, कि जैसे मैंने अभी पिछले एक पॉइंट में बताया भी था कि मार्कर जो हाईलाइट आप करते हैं जो भी आप उस पर डेटा है उसको इजीली रिकॉल कर सके। तो इसलिए मार्कर का जरूर इस्तेमाल करिए जब भी आप बुक पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो इजीली आपको जल्दी से रिकॉल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ूंगा मैं। अगला पॉइंट आता है हेल्प विद वीडियो सोर्सेज। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए बहुत सारा डेटा है, तो होता क्या है कभी कभार कि अगर कुछ बच्चे होते हैं जो कोचिंग जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कोचिंग नहीं जाते, लेकिन ये जो मेरा सजेशन है, ये वाला जो पॉइंट है, मैं ये सभी के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो बच्चे सिर्फ कोचिंग नहीं जा रहे हैं उन्हीं के लिए है, ये सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है कि हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, हमें पता है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको समझ रहे हैं, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से ऑनलाइन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये जो इतना बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिला है हमें, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट अब आने वाले समय में बच्चों को मिल रहा है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि अगर आप जब तैयारी कर रहे हैं तो इसकी वीडियोस में वो जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट उनका ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको जरूर पढ़िए, वहां से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं बहुत आपको हेल्प मिलेगा। आप सोचिए, बैठे बैठे पढ़ रहे हैं और आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड कोई ऑथेंटिक टीचर है जो उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप वहां से देख के जल्दी सी उस चीज टॉपिक को समझ के फिर आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा हेल्प, ये वीडियो सोर्स वाला पॉइंट। और आखिरी जो मैं इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूंगा इस पूरे यूपीएससी के सफर में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जो हर इंसान आपको कहेगा, वो होता है दोस्तों रिवीजन। रिवीजन दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपकी यूपीएससी की तैयारी में। आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, चाहे एक बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो वो पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी यूजलेस है। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए नोट्स जितना जल्दी हो सकता है आप उसको बनाइए, और उसके बाद आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं अपने टाइम सहूलियत के हिसाब से उसको तभी थोड़े टाइम बाद या उसके हफ्ते भर में या डेली बेसिस पर, जैसे आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप उसको रिवाइज करिए अपने नोट से, क्योंकि रिविजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कहते हैं कम पढ़ना रिविजन ज्यादा करना। बच्चे क्या होते हैं वो सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ना और रिविजन कम करना, उससे यूपीएससी नहीं निकलेगा, क्योंकि यूपीएससी में रिवीजन एक बहुत ही अहम रोल होता है आपका यूपीएससी क्रैक करने के लिए। तो इसलिए आप रिवीजन को कंसिस्टेंटली करते रहिएगा। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं तो आप जितना पढ़ चुके हैं उतना रहने दीजिए और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बस उसको फॉलो कीजिए, तो वो आपका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूपीएससी की तैयारी में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ यूपीएससी, मतलब किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको स्ट्रक्चरली अपनी तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। तो बस आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।